हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, अब इसको उबालने के लिए रख दूँगी गैस में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मसाले पीसने के लिए रखा है। तो ये है प्याज, सूखी लाल मिर्च, दो बड़ी इलायची, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा, इनको सब मैं पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये सब मैंने पीस लिया है, जो मैंने दिखाया था लहसुन प्याज। अब इसमें मैं सूखे मसाले डालूंगी। ये रहे मेरे सूखे मसाले। तो ये रहा एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच सब्जी मसाला, दो चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने सूखी लाल मिर्च डाली हुई थी पहले से। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसाला मिक्स कर लिया है और छौंक के लिए रखी हूँ प्याज, तेज़पत्ता, लाल मिर्च और जीरा बस। और ये मैंने टमाटर काट के रखे हुए डालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फ्रेंड, ये मेरी कटहल अच्छी तरह से उबल चुकी है और ये छौंक का सामान है, मसाला है। और ये मेरा पिसा हुआ मसाला, यहाँ पे टमाटर है और ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिए हैं। छौंक लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा तेल गर्म हो चुका है। प्याज डाल देंगे। तो 5 मिनट प्याज को हम भूनेंगे, इसको रेड होने तक, फिर मसाला डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी प्याज भून चुकी है, तो अब मैं इसमें मसाला डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मसाला हल्का भुन चुका है, तो मैं अब इसमें मसाला टमाटर डालूंगी। सॉरी फ्रेंड्स, भूल गया था, टमाटर डालूंगी। तो फ्रेंड, मैं टमाटर डाली तो थोड़ा नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, इसको मिला देते हैं। तो फ्रेंड, देखिए मेरा मसाला भुन चुका है, अब इसको 2 मिनट और भूनेंगे, फिर पानी डाल देंगे। तो फ्रेंड, मेरा मसाला भुन चुका है, तो अब हम इसमें कटहल डाल देते हैं, तो मिक्स कर लेते हैं थोड़ा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कटहल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मसाले के साथ। फ्रेंड, मैंने बोल दिया था पानी डालने के लिए, तो पहले कटहल भूनेंगे मसाले के साथ, फिर पानी डालेंगे। इसको 5 मिनट तक पकाएंगे मसाले के साथ। गैस को मैं तेज़ रखी हूँ, ढक के इसको 5 मिनट तक पकाएंगे मसाले के साथ भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सब्जी भुन चुका है कटहल का। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मसाले के साथ मेरा कटहल भुन गया है। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी अच्छे से भुन चुकी है, ये देखिए पूरा रेड हो गई है मसाले के साथ में। अब हम इसे पानी डाल देंगे। तो चलिए पानी डालते हैं। तो फ्रेंड, देखिए मैंने पानी डाल दिया है, अब इसको मैं पकाऊंगी 15 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि हम कटहल को पहले ही उबाल चुके थे, तो इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 15 मिनट पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी पक चुकी है, तो हम इसमें डाल लेते हैं हरी धनिया। और इसको मिला देते हैं, और इसको 2 मिनट और पकाएंगे।
तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी बन चुकी है, बन के रेडी हो गई है। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी सब्जी कितनी अच्छी बनी है, कलर कितना अच्छा आया, खाने में मेरी बहुत टेस्टी है, एकदम चटपटी है। फ्रेंड्स ये छोटी सी कटहल थी ना, तो ये ज़्यादा घुली नहीं है, ऐसी ही है खड़ी खड़ी सी। अब मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी सब्जी कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है, खाने में बहुत टेस्टी है, दिखने में कितनी प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।